गुड मॉर्निंग दोस्तों, विम्स एंड रियलिटीज़ की तरफ से मैं देवव्रत भट्ट आप सब लोगों का आज बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ने जा रही हैं, जैसा आपको पता ही होगा, हमने ऑलरेडी जो टीज़र्स डाले हैं उनसे ये जाहिर था कि आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ में आज जुड़ने वाली हैं। सयाली भगत जी, जो कि बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस तो हैं ही, इसके साथ में फॉर्मर मिस इंडिया भी रह चुकी हैं। और आज हम इनसे बहुत कुछ जानेंगे, इनकी लाइफ के बारे में, इनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं बॉलीवुड में, और इनके आने वाले जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, प्लस इनकी एक बहुत ही मच एक्लेम्ड फिल्म मैरलिन लाइट्स के बारे में। बस बहुत ही जल्दी हमसे सयाली जी यहाँ पे जुड़ेंगे और हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। तो आप लोग जल्दी से आ जाइए और इस सेशन में हमसे जुड़िए, क्योंकि आज इस वीकेंड की इससे बेटर शुरुआत हो नहीं सकती थी। जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था साल के शुरू में कि हम इस साल एक बिल्कुल नई वाइब के साथ में, एक और भी ज़्यादा पॉजिटिव और अमेजिंग वाइब के साथ में नया साल स्टार्ट करेंगे, और उसको शुरुआत दी थी हमारे बहुत ही डियरेस्ट सुहास आहूजा सर ने, और उनके साथ एक बहुत ही अच्छा सेशन रहा था। और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सयाली जी के साथ में सेशन आगे ले जा रहे हैं। सयाली जी, अगर आप ऑनलाइन हैं, मुझे देख पा रही हैं, तो प्लीज़ आप सेशन में ज्वाइन करें। बस इसमें रिक्वेस्ट मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपको इसमें ज्वाइन कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, और जो लोग भी इसको देख रहे हैं या बाद में देखेंगे उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं नए साल की। फिर से हाय स्वरा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। दोस्तों, सयाली जी को हमने बहुत सारी फिल्म्स में देखा है, और बहुत ही बहुत ज़्यादा मतलब हिट और पॉपुलर मूवीज़ में भी हमने इनको देखा है। द ट्रेन इनकी एक फिल्म है जिसके गाने भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, तो होपफुली आज हम उनके लिए उस फिल्म का एक गाना भी गाएंगे। और बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्म इन्होंने की हैं अपने करियर में। यारियाँ इनकी जो लेटेस्ट रिलीज थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे हिट रही थी। सो शी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, और उन्होंने जो ट्रांजिशन किया है अब एक ब्यूटी क्वीन से एक बॉलीवुड एक्ट्रेस में, वो बहुत ही अच्छा था। हाय एवरीवन, जो भी ज्वाइन हो रहे हैं, राकेश जी, हाय सामिया, हाय तन्मय, हाय एवरीवन, आप लोगों ने अपना समय निकाला है आज इस वीकेंड पे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सयाली जी हमसे बहुत जल्दी ही जुड़ेंगी, आप लोग कहीं मत जाइए, क्योंकि आज बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं हम। मैं एकदम ठीक हूँ राकेश जी, आपको बहुत टाइम के बाद देखा, आपको नए साल की शुभकामनाएं। आप लोग कहीं जाइएगा मत, प्लीज़ जुड़े रहिएगा। ये छोटा मोटा डिले जो है ये लाइव सेशंस में हो जाता है, और मुझे पूरी उम्मीद है बहुत जल्दी से वो हमसे ज्वाइन करेंगी सयाली जी सेशन में। जी ज़रूर राकेश जी, हमें आपकी ये रिक्वेस्ट अच्छे से याद है। क्राइम पेट्रोल के एक्टर्स को हम ज़रूर लेके आएंगे। पहले शाश्वता जी हमारे सेशन में आ चुकी हैं, और उसके बाद भी हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं, पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी ये ख्वाहिश हम पूरी करते रहें। अनूप सोनी जी और बहुत सारे जो भी एक्टर्स इनमें काम करते हैं उनको ज़रूर लेके आएंगे आपके लिए। तन्मय, अगर आप ये देख रहे हैं तो आप प्लीज़ एक बार सयाली मैम को अगर कह सकें कि सेशन में जल्दी से ज्वाइन हो जाएं, और मैं उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सयाली मैम ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं।
हाय सयाली मैम, वेलकम। आप बस एक रिक्वेस्ट मुझे सेंड कर दीजिए, मैं उसको जैसे ही अप्रूव करूंगा तो हम लोग सेम स्क्रीन पे आ जाएंगे। हाय, हाय, गुड मॉर्निंग सैली मैम, हाउ यू? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। थैंक यू सो मच, एंड इट्स ग्रेट टू हैव यू हियर ऑन दिस शो। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना इतना वक्त निकाला और शो इस सेशन के लिए आपने हाँ कहा। सो इट्स अ ग्रेट थिंग, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट ये बहुत टाइम से पेंडिंग था। ये एक बहुत स्पेशल फिल्म रही है, मैडलिन लाइट्स, और उसके बारे में बात करना, कुछ ना कुछ उसके जो यादें हैं वो शेयर करना, इनफैक्ट उसे पूरी तरह से फ्रेश करना, ये बहुत दिनों जी, से पेंडिंग था, एंड आई एम सो ग्लैड ये आज हो रहा है। इवन आई एम ग्लैड, और मैं इसका एक जरिया बन पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैंने भी जब ये फिल्म बन रही थी तब से जुड़ा हुआ हूँ। आई नो तन्मय फॉर लाइक 15-20 इयर्स, और उनकी जो ग्रोथ है एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर, वो मैंने देखी है। सो जब बन रही थी और जब ये बन के मैंने फर्स्ट टाइम देखी, आई वॉज एक्चुअली मेजमराइज कि आप सब लोगों ने कितना अच्छा हार्डवर्क इसमें किया है, और बहुत ही वो स्क्रीन पे नजर आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच अ ब्यूटीफुल फिल्म। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। मोस्ट वेलकम मैम, एंड इट्स अ प्लेजर। सो सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से करते हैं, क्योंकि मैडलिन लाइट्स की बात चल रही है। सो व्हाट मेड यू से यस फॉर दिस फिल्म, जब आप पहली बार आपने सुनी ये कहानी या तन्मय से आप मिले, क्या सोच के आपने इसको हाँ कहा? तो देवी, ये ना बहुत अच्छा किस्सा है, और अभी तक जैसे मैंने बताया मेरे माइंड में बिल्कुल फ्रेश है। तो तन्मय अपनी टीम के साथ मेरे घर आए थे, एंड उन्होंने ये सब्जेक्ट जो है वो नरेट किया था, एंड तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअली इस स्टोरी में बहुत ज्यादा रिलेशनशिप के न्यूएंसेस है जो वाकई में लोग फील करते हैं। कि कोई भी रिलेशनशिप लीनियर नहीं होती, स्ट्रेट नहीं होती, लेयर पे लेयर होते हैं उसके, और वो अगर आप नरेट कर सकते हो तो आई एम श्योर कि उससे ज्यादा आपने सोचा है, क्योंकि जी यूजुअली आप जितना सोचते हो आपको कहीं ना कहीं कर्टेल करके एक फिल्म में, एक स्टोरी में डालना पड़ता है। तो बिल्कुल, ऑब्वियसली उसके आगे उनका रिसर्च हुआ था, एंड उसके आगे द स्टोरी मेंट सो मच, एंड द स्टोरी हैड अ लॉट ऑफ लेयर्स, एंड ये होने के बावजूद ये एक ऐसी स्टोरी नहीं थी जिससे आम आदमी, आप और मैं, ऑडियंस रिलेट ना करे, क्योंकि बिल्कुल हर एग्जैक्टली exactly. किसी के लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन होते हैं। आजकल फेसबुक में उसके स्टेटसेस आ गए हैं, एंड इट्स लाइक इट्स मैरिड, यू मैरिड, यू आर नॉट मैरिड, यू नो, यू टेकन, यू आर नॉट टेकन, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, यू नो। सो ये जो यस, इट्स कॉम्प्लिकेटेड का जो ये बहुत बड़ा डेफिनेशन है, एक्चुअली इट्स लाइक एक्चुअली मैम, ये दिखाना, एंड हमें यूजुअली हिंदी फिल्मों से हम ये सीखते हैं कि जो है आपके लाइफ में, अगर इट्स कॉम्प्लिकेटेड वाला जो किस्सा है वो सिर्फ बिफोर मैरिज हो सकता है, यू नो। या इट्स कॉम्प्लिकेटेड वाला जो जो फीलिंग है वो तभी हो सकती है जब यू आर डिसाइडिंग टू मैरी, यस, तब बहुत ज्यादा हो सकती बिल्कुल है, बिल्कुल, एंड मेरे ख्याल से कॉम्प्लिकेटेड से ज्यादा कंफ्यूज वाली फीलिंग ज्यादा हो यस सकती है। इंडीड, यू नो, अब तो मैं आर भी रह चुकी हूँ, पार भी रह चुकी हूँ, यू बिल्कुल नो। सो उससे मैं बहुत सर्टिनिटी से ये कह सकती हूँ कि जब आप एक पार्टनर चूज करते हैं या उनके साथ आपकी रिलेशनशिप, तो कंफ्यूजन ये बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये जो एक ब्यूटीफुल किस्सा है जो मेरे कैरेक्टर थ्रू दर्शाया गया है, वो इट्स इट्स एक्सप्लेनिंग दैट कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग एंड गेटिंग इन टू द स्किन ऑफ इट, यू नो, आफ्टर योर यस मैरिज, आफ्टर वन फेज ऑफ लाइफ, यू नो। तो ट्रू, इट्स नॉट लव, इट्स नॉट लाइक, इट्स समथिंग समथिंग, यू नो, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। सो कैन यू बिल्कुल बी फ्रेंड्स आफ्टर यू हैव डेटेड वंस, एंड कैन यू बी टूगेदर, एंड कैन यू एक्सप्लेन दीज फीलिंग्स?
Then actually, you know, that's where we leave the film, you know, that it's actually very difficult. But then these feelings exist, बहुतों को ये महसूस होते हैं. एंड कई बार हम ऐसे दोस्तों यारों को मिलते हैं जहां पर वो किसी गाने के साथ, किसी फ्रेग्रेंस के साथ, किसी जगह के साथ कोई ऐसी एक याद ताजा कर रहे होते हैं, यू जी नो. जी That does not mean that they're still in love, or that does not mean that they miss that person, but वो है कि उस एक किस्से ने, उस इंसान ने आपकी लाइफ में एक बहुत ही ये इम्पोर्टेंट स्पेस तब ली थी, एंड दैट वॉज अ वेरी जी इम्पोर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ. सो टू शो दिस थ्रू फिल्म, आई थिंक वॉज सम वेरी वेरी गुड आर्ट. And to come up with something like this, and I really enjoyed doing this thing. I really enjoyed doing this film. एंड वी एंजॉयड योर वर्क थ्रू आउट द फिल्म मैम. सबसे अच्छी बात इस फिल्म की ये थी, जैसा आपने बोला कि एक इतने कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप या कैरेक्टर को ईज के साथ पे स्क्रीन पे दिखा पाना वो एक बहुत ही मुश्किल काम होता है. एंड यू द होल टीम ऑफ मैडलिन लाइट्स हैज डन दैट जॉब वेरी एफर्टलेसली. सो वो देख के हमको बहुत मजा आता है. और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा एक और इससे एक क्वेश्चन भी बोल सकते हैं आपके लिए कि जैसे हमने लास्ट में उसमें देखा है कि एक हैप्पी एंडिंग है, एवरीथिंग गोज वेल, बट हैव यू एवर थॉट ऑफ एन ऑल्टरनेट एंडिंग, या अगर ऐसा नहीं होता और आप आपका कैरेक्टर प्रीति एंड जॉन अगर साथ में होते तो क्या वो सब कुछ सेम होता, वैसा ही होता, उतना ही ब्यूटीफुल वो रिलेशनशिप होता? ये भी एक थॉट है मेरा. आपको क्या लगता है कि अगर वो दोनों अलग नहीं होके साथ होते तब भी क्या इक्वेशन सेम रहती? Actually, this is a very interesting question. And शुरुआत में either or and happy endings and main leads को साथ में दिखाना, ये एकदम टिपिकल हिंदी फिल्म परंपरा जी, है. तो एग्जैक्टली. परंपरा के खिलाफ हम एक कुछ करना चाहते थे. सो आई थिंक दिस एंडिंग वॉज एब्सोल्युटली एप्ट फॉर दिस रिलेशनशिप. यू नो, अगर हम इस रिले या प्रीति's कैरेक्टर फॉर दैट मैटर, यू नो, बिकॉज नाउ शी इज डिसाइडेड एंड नाउ शी इज मेड अप हर माइंड एंड नाउ इट डज नॉट मेक एनी सेंस फॉर हर टू गो बैक एंड फोर्थ. सो उसके कैरेक्टर के लिए, अगर ये कैरेक्टर उल्टा होता, या ये कैरेक्टर ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा फ्लिमजी होता, या ज्यादा ओपन माइंडेड होता, यू नो, जी और अनहैप्पी होता, तो ऑफकोर्स आई थिंक प्रीति एंड जॉन शुड हैव बीन टुगेदर. बट जिस तरह से इस कैरेक्टर को सोचा गया है, या आई थॉट ऑफ प्लेइंग दिस कैरेक्टर वॉज समबडी हु वॉज वेरी लीनियर इन हर थिंकिंग एंड हु थॉट वेरी स्ट्रेट एंड हु वेंट बाय द बुक. एंड फॉर हर इट डिड नॉट मेक सेंस टू डू दैट, यू नो. यस एंड सो फॉर जॉन इट वॉज बेस्ट टू गो बैक एंड देन गेट बैक एंड स्टार्ट हिज लाइफ वेर ही लिव्ड देन जस्ट पैक इट अप एंड स्टार्ट अ फ्रेश. यू नो, हर किसी को ये मौका नहीं मिल पाता जी, लाइफ बिल्कुल सही में, बात है. और हमेशा ये बेस्ट ऑप्शन नहीं होता. बस अपनी न्यू बुक ले ली और अपना नया किस्सा स्टार्ट कर दिया. यू नो, इट्स नॉट लाइक दैट. यू मे चेंज डायरीज विद एवरी ईयर. यू नो, आई एम सेइंग दिस बिकॉज इट्स अ हैप्पी न्यू ईयर 2021. यू मे चेंज डायरीज बट यू कांट लाइक जस्ट लीव फ्यू थिंग्स एंड जस्ट लीव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्पेशली वेन यू स्टार्टेड समथिंग लाइक अ मैरिज, समथिंग लाइक अ रिलेशनशिप. तो इट्स बेस्ट टू कीप वर्किंग एट इट. इट्स बेस्ट टू कीप ऑन डूइंग बिकॉज ऐसी सारी चीजें तो होती रहती है बहुत बिल्कुल मैरिजेस में. यू नो, अगर इफ इट्स नॉट अबाउट थिंकिंग अबाउट योर प्रीवियस गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स एंड ऑल दोज थिंग्स, बट इट्स ऑल्सो अबाउट अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन ऑफ मैरिजेस. सो इन अ वे इस फिल्म से एक बहुत अच्छा एक मैसेज जाता है टू बिल्कुल रियली स्टिक ऑन, हैंग ऑन, जो हम एक्चुअली प्रॉमिस करते हैं एक मैरिज में, टू बी टुगेदर फॉर ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू गुड एंड बैड. तो आई थिंक दिस रियली कम्स थ्रू. एंड इट्स बोल्ड, एक्चुअली ये काफी बोल्ड है हिंदी फिल्म के दायरे में बिठाने के बिल्कुल. लिए. सही हीरोइन तो चली बात. गई, यू नो, हीरो वापस ऐसे होगा, ये क्या बात है. बट इट्स एब्सोल्युटली अ गुड टेक ऑन इट एंड अ रिफ्रेशिंग टेक. यस इंडीड इट इज मैम. और ट्रीटमेंट फिल्म का बहुत ही अलग, बहुत ही प्यारा किया है.
और हर एक कैरेक्टर को एक अपनी इम्पोर्टेंस दी है। सबसे बढ़िया बात इसमें ये है कि हर कैरेक्टर का अपना एक सिग्निफिकेंस है उस फिल्म में, जो कि इसको और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। अगेन मैं यही बोलूंगा कि यू ऑल हैव डन अ कमेंडेबल जॉब एंड दैट्स व्हाई मर्लिन लाइट्स हैव वन अवार्ड्स एवरीवेयर और इट्स शॉवर्ड विद एक्लेड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। और आपको भी इतने सारे अवार्ड्स इसके लिए मिले हैं। यू हैव वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन यूएसए इन अ फिल्म फेस्टिवल। सो इसके बारे में मैम थोड़ा सा आप बताइए कि आपको कैसा लगा जब आपको पता पड़ा कि यू हैव वन सच अ प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर दिस फिल्म। Yes, thanks to everybody who's joining in. And I know आप बोल मुझे आपके कमेंट्स नजर आ रहे हैं. आप एक बार नाम ले लीजिए, हाय कर दीजिए. सो हेलो एवरीबडी, थैंक यू सो मच फॉर कीप ज्वाइनिंग इन. एंड थैंक यू फॉर योर टाइम. एंड एक्चुअली दैट्स व्हाट इट इज देव, यू नो, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, पीपल लाइक यू फॉर द वर्क यू डू, यू नो. एंड ये अगर ओवरसीज के ऑडियंसेस, सारे लोग अगर ये अप्रिशिएट करते हैं, तो दिस इज व्हाट फिल्म्स आर, यू नो, दे कनेक्ट पीपल. एंड आई एम ग्लैड दैट ये कनेक्शन हुआ. एंड इस कनेक्शन की वजह से इस फिल्म को इतने अवार्ड्स मिले, इसे इतना प्यार मिला, एंड इतना ज्यादा इसे अटेंशन मिला. लोगों ने इसे देखा, पसंद किया, एंड फेस्टिवल्स टुक अस सीरियसली. आई एम वेरी प्राउड दैट तन्मय हैज वन सो मेनी अवार्ड्स, बिकॉज वी ऑल नो कि ये एक अपने आप में एक सिंगल मैन आर्मी है. एंड जी दैट इज वाई मैं सपोर्ट करती रहती हूँ हमेशा, दैट ही ट्राइज टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन हिज ओन. ही इज वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट एवरीथिंग. ट्रूली एंड इट्स लवली टू हैव बीन एसोसिएटेड विद हिम, बिकॉज देयर एनर्जी इज टोटली इन्फेक्शियस. एंड ये सारी मेहनत भी एक्चुअली मुझे अवार्ड दिलाने की, ये सारी भी तन्मय ने ही की है. वाह सो इट्स यस सो यस आई मस्ट अप्रिशिएट हिम ऑल्सो फॉर ऑल दीज थिंग्स एंड कीपिंग आवर शेयर, यू नो, इन इन ऑल ऑल द सक्सेस दैट ही राइटफुली डिजर्व्स. तो दैट्स वॉट इट इज. एंड आई एम ग्लैड दैट फिल्म्स कैन कनेक्ट अस, ज्वाइन अस, कीप अस हैप्पी एंड कीप अस मोटिवेटेड. एंड ऑल दीज अवार्ड्स मोटिवेट अस इन इन दिस जर्नी. यस मैम ट्रूली। एंड एक कलाकार के लिए, किसी भी तरह के आर्टिस्ट के लिए, सबसे बड़ा जो बोल सकते हैं कि उसको एंकरेज करने के लिए जो एक फैक्टर होता है वो यही होता है कि लोगों का जो प्यार है। अवार्ड्स तो सिर्फ एक जरिया होते हैं, वो हमारे बस बोल सकते हैं जो लोगों ने हमको प्यार दिया है उसको दिखा पाने का। सो एक्चुअली तो वही है जो हमारी एक्चुअल अर्निंग्स होती है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग वी कैन गेट एज एन आर्टिस्ट। That's right, actually. You're right, and especially something like a film industry, जहाँ पर लोग ज्वाइन ही इस वजह से करते हैं कि वो फैंस बना सके, लोगों से कनेक्ट कर सके, लोगों का प्यार पा सके. एट द जी एंड ऑफ द डे, आर्टिस्ट, वेदर इट्स अ डायरेक्टर, एक्टर, दीज दे जस्ट वॉन्ट अप्रिसिएशन फॉर देयर वर्क. दे जस्ट वॉन्ट कनोसर्स फॉर देयर वर्क. सो यस, अवार्ड्स हैव गॉट अस दैट. आपके बहुत सारे फैंस के मैम बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं पढ़ पा रहा हूँ, तो मैं आपके बिहाफ पे बोल देता हूँ। वो आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं या कुछ कहना चाह रहे हैं। सो दोस्तों आप सब लोग, मैं आपको देख पा रहा हूँ, सायली मैम आपको देख पा रही हैं। आप अपने कॉमेंट्स लिखते रहिए, कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो जरूर वो आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अभी क्योंकि हम एक इंटरव्यू सेशन में हैं इसलिए वो बीच में आपकी रिक्वेस्ट नहीं ले सकती। बट लेटर ऑन डेफिनेटली जब भी वो कर पाएंगी तो वो आपको रिप्लाई करेंगी। बट अभी आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप यहाँ पे टाइप करके पूछ सकते हैं, मैं आपके आपके बिहाफ पे रीड कर दूंगा सैली मैम के लिए और डेफिनेटली वो आंसर करेंगी। और आप लोग यहाँ पे जुड़े हैं, इतना सारा प्यार दे रहे हैं और सैली मैम आपके फैंस इतने सारे यहाँ पे ऑलरेडी इस सेशन को देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन जो भी यहाँ पे इस सेशन को इस वक्त देख रहे हैं। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच. यस, बहुत दिनों बाद मैं लाइव हुई हूँ. एंड यस, ऐसे अपॉर्चुनिटीज हम और निकालते रहेंगे. एंड थैंक यू फॉर कीपिंग जरूर। दीज हार्ट्स फ्लोइंग. थैंक्स अ लॉट. अच्छा सैली मैम, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो मैंने सोच रखा था कि मैं आपसे पूछूंगा जब भी बात होगी। तो इसके लिए जो प्रीति का जो कैरेक्टर था, इसके लिए प्रिपरेशन आपके लिए कितनी इजी या कितनी डिफिकल्ट थी? और आप जब आपके जैसे हम लोग आप एज एन इंडिविजुअल बात करें, कितना रिलेट कर पाते हैं प्रीति के कैरेक्टर से रियल लाइफ में? जैसे मैंने आपको बताया, प्रीति का कैरेक्टर जो है वो बहुत ही लीनियर कैरेक्टर था. एंड एज अ पर्सन मैं
काफी उस तरह की हो, एक बार सोच लिया तो कर लिया, एंड देन चाहे वो सही हो रहा हो या गलत हो रहा हो, तो जस्ट कीप ऑन टू द ट्रैक. तो यस, आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. तो मेरे लिए ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, वेरी ऑनेस्टली. इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू समथिंग लाइक दिस, बिकॉज आई हैड टू प्रिटी मच थिंक लाइक माई सेल्फ. तो अगर मैंने अपनी ही सोच इस फिल्म में, इस कैरेक्टर में लानी थी, सो इट वॉज नॉट हार्ड. वॉट वॉज डिफिकल्ट वॉज अ कपल ऑफ सीन्स जब आप फ्लैशबैक करते हो, यू जी नो. फ्लैशबैक्स मेरे लिए स्लाइटली डिफिकल्ट थे इसलिए क्योंकि एज अ पर्सन मैं फ्लैशबैक्स के बारे में बिल्कुल ना सोचू. यू नो, एज अ पर्सन मे आई मीन ऑफकोर्स आई हैव अ मेमोरी ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स यस यस हैपेंड वी इन ऑल माई हैव लाइफ, यू नो, वी ऑल हैव, यू नो. लेकिन उस मेमोरी पे फिर से इमोशन लाना, यू नो, दैट इज नॉट मी. So that was the सो या difference between you and Preeti's character. Basic That difference was the कि difference. Yeah. we get nostalgic at times. हम लोग पुरानी कोई associated memories जो होती हैं वो हाँ. याद आ जाती हैं. But every time it's not necessary कि हम उससे emotionally भी bound हो जाएं उसको सोच के. इनफैक्ट तो बहुत अच्छी बात बहुत बोली आप. ही अच्छा सा किस्सा मैं आपको अभी सुनाऊंगी. हाल ही में हुआ है, इतने सारे सीजन चल रहे थे ना, दिवाली ये वो सारे. तो जी हमारी ना एलुमनाई मीट इसकी हुई थी. हम एक सारे है ना एक कोचिंग क्लासेस में जाते थे एज ओके चिल्ड्रन, यू नो. सो उस कोचिंग क्लासेस की हमारी एक वीडियो मीट हुई थी, एंड हम सारे उसके एक्स स्टूडेंट्स जो है वो मिले थे. एंड ऑब्वियसली कोचिंग क्लासेस तो फेमस है ही, यू नो, बिल्कुल लव सीन्स के लिए एंड ये सारे सीन्स के लिए तो बहुत ज्यादा फेमस है. जी बिल्कुल तो हमारे उस एलुमनाई मीट में लोग ऐसे गाने गाने लग गए और ऐसी बातें सोचने लगे जिनसे उन्हें ना तब जो उनका जो क्रश था या तब हाँ जो ना, तो वो ओ सनम मोहब्बत की कसम, ऑल दैट सॉन्ग्स मिलके बिछड़ना तो दस्तूर हो गया. वाह हाँ, सो इस तरह के जो किस्से थे ना ये सारे आ रहे थे आगे. तो जी तभी भी मुझे ये चीज महसूस हुई थी कि यार कैसे कर लेते यार लोग. अच्छा, मतलब हाँ इतना याद स्टिक रखना रह पाना पुरानी अपनी मेमोरीज में मेमोरी. ट्रूली हाँ, यू नो, मेमोरी तो है, यू नो, याद तो है, दूसरों का किस्सा भी याद है, ऐसी बात जी नहीं है. दैट्स ऑल दैट. उस चीज पे आपको फिर से फीलिंग कैसे आ सकती है? हाँ टू स्टिक टू दैट फीलिंग जो इतने सालों पहले थी बार बार उसको रिवाइव कर ये पाना ये थोड़ा सा अनयूजुअल है मतलब मुश्किल. हाँ, तो वो जो पार्ट था मेरे कैरेक्टर का और दैट पार्ट ऑफ एक्टिंग जो थी ना, मेरे लिए मुश्किल थी. मुश्किल थी. एंड प्री एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली आप एज एन एक्टर अपने को एक्टर से या अपने डायरेक्टर से ये ऐसे बात नहीं कर सकते, यू नो, कि आई डोंट अग्री विद दिस. हाँ ऐसे एज एन आप एक्टर यू हैव टू अबाइड बाय द जस्ट स्क्रिप्ट या जो भी हाँ जो भी आपको दिया गया है हाँ उससे जस्टिफाई करना ये उस समय करना हमारी ही है. बट रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. सो दैट्स डेफिनेटली गुड. उसमें मैंने एक या दो से ज्यादा ही टेक्स लिए थे, यू नो नो. तो एंड देन नो क्वाम्स. जो मुश्किल है जो मुश्किल है, जो आसान है वो आसान. बट सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इट इज वेरी इजी टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, बट यस, दैट कैरेक्टर वाज वेरी डिफरेंट एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट. दिस इज द ब्यूटी ऑफ डूइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स इन फिल्म्स, के आप अलग अलग चीजें कर पाते हो और दूसरे इंसान की तरह सोच पाते हो. दिस इज वॉट कीप्स मी गोइंग अबाउट फिल्म, दिस इज वॉट कीप्स मी इंटरेस्टेड अबाउट फिल्म. वाह दैट्स द ब्यूटी ऑफ सिनेमा एक्चुअली वी कैन से ब्यूटी ऑफ सिनेमा, दैट्स यू राइट. यू गेट टू लिव सो मेनी लाइव्स इन वन लाइफ जो नॉर्मल यस, इंसानों के बस की बात नहीं होती है क्योंकि बहुत मोनोटोनी एग्जैक्टली. में रहते हैं ज्यादातर लोग. एक्टर्स के लिए हर दिन एक नया एक चैलेंज है एक नया रोल है उनके लाइफ में. ऑफ कोर्स. एंड हालांकि बहुत लोग एक्टर्स भी बोलते हैं वो तो क्या है, वो तो नाटक है, वो तो प्रिटेंड है, वो तो असली नहीं है. बट देन हर एक्टर मेरे साथ इस बारे में सहमत होगा कि थोड़े बहुत क्षण के लिए क्यों ना हो, चाहे आप विलन प्ले कर रहे हो कुछ भी, थोड़ा बहुत उसका जो स्ट्रीक है आपको महसूस होता ही होता है. जी जी बिल्कुल सो ये तो एज अ ह्यूमन सोल, नेचर है. हाँ, जी एज अ सोल यू आर रियली ग्रोइंग एंड एज अ सोल यू रियली हैविंग सो मच ऑफ एक्सपोजर एंड यू आर गेटिंग टू एक्सपीरियंस सो मच इन लाइफ. ट्रू मैम
ओके मैम, तन्मय एज अ डायरेक्टर, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको उनकी स्पेशलिटी लगती है, एक ऐसी क्वालिटी उनकी जो बाकी डायरेक्टर्स से अलग बनाती है, क्योंकि एक बार अभी भी बहुत यंग डायरेक्टर हैं और मेरे को लगता है कि स्काई इज द लिमिट फॉर हिम, बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे आगे भी. सो क्या आपको उनकी बेहतरीन खूबी लगती है और आगे आप उनके साथ कभी कोलैब करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स हम ऑलरेडी कोलैबोरेशंस की बहुत बात कर रहे हैं, ये कोरोना वोरोना वाह, टाइम चल रहा है इसलिए हम एग्जैक्ट चीजों को टाइमलाइन नहीं दे पा रहे हैं, एंड इस वजह से कभी इंटरेस्ट जो है वो प्रायोरिटीज जो चेंज होती रहती है ना, फिर कि मतलब अभी जी. मुझे तो करना नहीं है तो फिर थोड़ा सा सेकंड प्रायोरिटी, फिर ले कह रहे नहीं नहीं शुरू तो करते हैं तो फिर वापस फर्स्ट बिल्कुल. प्रायोरिटी, ऐसे चेंज होता रहता है थोड़ा थोड़ा सा। बट ऑफ कोर्स हम साथ में कोलैब करना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं, बिकॉज आई लाइक द वे तन्मय सारी चीजें कर लेता है एंड इसका हर एक चीज में इनपुट रहता है। ही डजंट डिपार्टमेंटलाइज थिंग्स कि चलो अभी ये आपका डिपार्टमेंट है ये आप पूरी तरह कर लो। नो, ही लाइक्स टू नॉट विदाउट इंटरफियरिंग, ही लाइक्स टू पार्टिसिपेट एंड बी इन्वॉल्व। तो इनकी बहुत अच्छी ये क्वालिटी रही है थ्रू आउट द फिल्म मेकिंग, वेदर इट वॉज मेकिंग, डिरेक्शन एंड इवन आफ्टर दैट। एंड आई थिंक ओनली वेन यू आर एक्सपीरियंस्ड एंड ओनली वेन यू वेयर मेनी हैट्स आप नो अपना प्रोडक्ट हर बार बेटर कर सकते हो। तो अगर जी हर चीज का एक एक्सपीरियंस हो जाता है, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, सेलिंग, हर चीज का एक तरह से एक्सपोजर हो जाता है, तो यू बिकम अ गुड पैकेज एंड तब आप किसी दूसरे प्रोड्यूसर से, फिनेंसर से या किसी और से भी कोलैब करना चाहते हैं, देन यू कैन गेट लाइक अ लॉट ऑफ नॉलेज टू द टेबल एंड देन पीपल कैन एक्चुअली थिंक अबाउट योर प्रोजेक्ट मोर सीरियसली एंड गेट एसोसिएटेड विथ यू। सो बिल्कुल. यस, दैट्स वॉट तन्मय इज, अ वेरी गुड कॉम्बो एंड यस हम आगे भी आगे काम करना चाहेंगे। वाह, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट मैम. और आपने ये सही सही चीज बोली है कि अपना एक से होना हर चीज में, दैट्स नॉट इंटरफेरेंस. एज अ डायरेक्टर जब है। आप किसी चीज पे मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप अपना ओपिनियन हर चीज में शेयर करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं दूसरों के डिपार्टमेंट्स में भी, तो वो सिर्फ बेटर ही बनाता है उन चीजों को, कभी खराब नहीं करता अगर एक लिमिट तक किया जाए तो, और सबके ओपिनियंस को रेस्पेक्ट करते हुए अगर किया जाता है, तो वो और ज्यादा उस चीज को बेहतरीन बनाता है. सो दैट्स द बेस्ट क्वालिटी एक्चुअली अ डायरेक्टर और एनी आर्टिस्ट कैन हैव, कि अपने ओपिनियन को रखे और दूसरों के ओपिनियंस की भी रेस्पेक्ट करे साथ साथ. ऑफ कोर्स दैट्स हिज यूएसपी एंड ही शुड वर्क ऑन इट, आई मीन ही इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, बट देन ही शुड नो इट कि बीइंग अ गुड कॉम्बो एंड बीइंग अ पैकेज इज व्हाट मेक्स हिम हैव द एज। करेक्ट मैम. ओके मैम, द फिल्म वॉज शॉट इन जयपुर मेजरली. सो जयपुर, आई एम सिचुएटेड इन जयपुर, जयपुर इज माई होम टाउन, अभी मैं यही हूँ. और आपका जयपुर का एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा, आप पहली बार आए थे जब इस फिल्म के लिए आए थे या पहले भी आना हुआ है, और कैसा लगा आपको हमारा जयपुर? जयपुर मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, काफी ओ सालों से ग्रेट. आ रही हूँ, एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज बिकॉज वहां पे हर एक चीज का एक अच्छा मिक्स है। तो बिल्कुल, आपको बैलेंस आर्ट बहुत एंड अच्छा है हिस्ट्री, सिटी का. बैलेंस बहुत अच्छा है, तो जी आर्ट एंड हिस्ट्री भी मिल जाएगी, मॉडर्न थिंग्स भी मिल जाएंगे, यू नो अच्छे स्पॉट्स भी, इवनिंग स्पॉट्स भी मिल जाएंगे, दोस्तों के लिए भी जगह मिल जाएगी, कपल्स के लिए भी जगह मिल जाएगी, जी एंड ये अगर आप एल्डर्स के साथ आ रहे हो, फैमिली के साथ आ रहे हो, उसके लिए भी एक जगह मिल जाएगी। सो दिस द सिटी हैज अ लॉट टू ऑफर एंड इस वजह से मैं एक्चुअली. बार बार आ सकती हूँ वहां पर, क्योंकि चलो इस बार फ्रेंड्स के साथ ट्रिप कर ली, नेक्स्ट टाइम यू नो एज अ फैमिली के कपल साथ में ट्रिप कर प्लान कर लिया, ली, सही नेक्स्ट टाइम बात है. फैमिली के साथ कर लिया, तो कुछ ना कुछ टूरिज्म के लिए भी है, कुछ ना कुछ हिस्ट्री में सीखने के लिए भी है, शॉपिंग के लिए भी है, ज्वेलरी के लिए भी है, बिल्कुल और लैंड बिल्कुल. तो चाहे रिलैक्स करना हो। मुझे वहां के होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी भी बहुत ज्यादा पसंद है, जी क्योंकि बहुत बहुत चाहे एक्चुअली. छोटा होटल हो या बड़ा होटल हो, हॉस्पिटैलिटी, फूड, इन सारी चीजों पे बहुत ही होता है। तो समटाइम्स टू लर्न, समटाइम्स टू बी विद माई सेल्फ एंड समटाइम्स फॉर कंपनी, जयपुर इज अ विजिट अगेन एंड अगेन, एंड आई एम श्योर मैं आगे भी बहुत बार विजिट करूंगी बिकॉज देयर इज ऑलवेज सो मच मोर। वाह मैम, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और आप आते रहिए,
और डेफिनेटली हम ऐसा चाहेंगे कभी आप नेक्स्ट टाइम आए तो मुलाकात भी हो पाएगी, तो वो हमारे लिए एक्चुअली एक ब्लेसिंग होगी. सो डेफिनेटली वी वुड वांट यू टू कम टू जयपुर अगेन एंड अगेन. थैंक यू सो मच, इट्स रियली फन। ओके मैम, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने तन्मय की बाकी दो फिल्म्स जो हैं मास्टरपीस और मैं वृंदा जो अभी लेटेस्ट रिलीज है वो दोनों भी देखी होंगी. सो क्या डिफरेंस लगता है आपको उन दोनों फिल्मों में और मैडलिन लाइट्स में? क्या जो बेसिक फर्क बोल सकते हैं ट्रीटमेंट या फिल्म मेकिंग में कुछ ग्रोथ जो आपको नजर आई हो इन तीनों फिल्मों में, एक जो एज अ डायरेक्टर उनकी? आई डेफिनेटली सी ग्रोथ एंड आई डेफिनेटली सी, हालांकि आई विल एक्सेप्ट दैट मैंने ये दोनों फिल्में जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करी है। सो बट आई कैन डेफिनेटली सी द ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ ट्रीटिंग अ सब्जेक्ट डिफरेंटली। यू नो, कई बार आप कोई भी फिल्म, मैं ऐसे डायरेक्टर्स ऐसे मेकर्स का नाम नहीं लेना चाहती, आप बहुत बार ऐसे देखते हो और बीच में से आपको लगता है, चाहे वो टोनैलिटी हो, यूज ऑफ डायलॉग्स हो, मे बी जस्ट द टोन ऑन द स्क्रीन, और ऐसा लगता है ये तो इनकी फिल्म लगती है, हाँ, एवरी डायरेक्टर ये तो ऐसा है। हैज हिज सिग्नेचर, यू नो, सम काइंड ऑफ या एक ट्रेडमार्क या जैसा होता है जो पता पड़ जाता है. हाँ, तो जी एक सिग्नेचर को कायम रखते हुए आप अगर ऑडियंसेस को अलग अलग तरह से एंटरटेन कर सकते हो, अलग एक वैरायटी दे सकते हो, दिस इज एटलीस्ट सो फार तन्मय इज वेरी सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। ही इज सक्सेसफुल इन शोइंग दैट ही इज केपेबल ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड अ लॉट मोर थिंग्स, यू नो, अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही हैव जी डन सो फार, लॉट मोर थिंग्स दैट ही इंटेंड्स टू डू इन द फ्यूचर। सो ओवरऑल इट्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। दैट्स ग्रेट. अगर तन्मय यहाँ है और सुन रहे हैं तो आई एम श्योर ही वुड बी रियली हैप्पी. सो Then we will like ओके your comments, okay? You can do that. आप लिख सकते हैं अगर आप हमें देख रहे हैं तन्मय, तो यू कैन जस्ट शो योर प्रेजेंस. ओके मैम, जस्ट टू चेंज द मूड, क्योंकि हम लोग बातें बातें कर रहे हैं बहुत देर से, तो तन्मय हैड रिक्वेस्टेड मी फॉर अ सॉन्ग फ्रॉम योर फिल्म द ट्रेन. सो आई जस्ट सिंग अ फ्यू लाइन्स ऑफ दैट ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर यू, क्योंकि Yes. हमारे साथ में और बहुत सारे दर्शक भी देख रहे हैं, तो आई एम श्योर वो लोग भी एंजॉय करेंगे. सो आई हैव माई पियानो विद मी, सो मैं कुछ लाइनें आपके लिए गुनगुना देता हूँ. चंद लम्हात के वास्ते ही सही मुस्कुरा कर मिली थी मुझे जिंदगी, चंद लम्हात के वास्ते ही सही मुस्कुरा कर मिली थी मुझे जिंदगी, तेरी आगोश में दिन थे मेरे कटे, तेरी बाहों में थी मेरी रातें कटी. ओ आज भी जब वो पल मुझको याद आते हैं दिल से सारे गमों को भुला जाते हैं, दर्द में भी लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं दर्द में. लवली लवली, एंड थैंक यू सो मच तन्मय, एंड आई ऑल्सो सॉ दीज कमेंट्स फ्लोइंग इन फॉर द लव ऑफ योर सॉन्ग एंड सिंगिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक इट्स बीन अमेजिंग टू डू दिस इंटरव्यू। यू सो मच. एंड इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है कि आपने इतना कंफर्टेबल फील करवाया राइट फ्रॉम द मोमेंट हम लोग एक स्क्रीन पे आए. सो दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि वेवलेंथ मैच हो पाना बहुत ही एक यूनिक चीज होती है. सो थैंक्स टू यू फॉर दैट. Thank you. I've really, really enjoyed this conversation, and thank you so much for having me. इट्स अ प्लेजर मैम, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स. बस आप जाते जाते एक बार अगर हमको अपडेट कर दें कि आगे हम आपको कहाँ देख पाएंगे, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कहाँ क्या हैं, तो हमारे जो फैंस हैं वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे. जैसे मैंने आपको बताया कि डेफिनेटली ये तन्मय के साथ तो हम आगे काम करेंगे ही। इसके साथ साथ एक फिल्म है जो
साइकोलॉजिकल थ्रिलर है भ्रम, जो एक प्रॉपर फीचर फिल्म है, वो उस पर हम काम कर रहे हैं एंड वेरी सून इट विल बी रेडी। इनफैक्ट ये ऑलमोस्ट रेडी है, क्योंकि ये पैंडमिक टाइम्स है तो कुछ उसका जी टाइमलाइन लगाना मुश्किल है, लेकिन इट्स साइकोलॉजिकल थ्रिलर एंड वाह, आप इसे भी बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड ऑल द बेस्ट टू यू. प्लीज टेक गुड केयर एंड होप द बेस्ट फॉर थैंक यू. यू सो मच एंड थैंक यू ऑल यू गाइस हु हैव बीन हियर, यू लिसन टू अस एंड यू केप्ट अस गोइंग थ्रू आउट। थैंक यू, हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑल माई इंस्टा फैमिली एंड एवरीबडी, जो मैंने दिस डेढ़ दिन पहले ही ये पोस्ट किया था एंड यू कुड बी हियर। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज। आई नो बहुत लोग थोड़ी देर के लिए देख कर फिर से चले गए, फिर से आए, ऑल दैट, बट थैंक्स अ टन एंड रियली रियली हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस लाइव एंड ऑलवेज सपोर्टिंग मी। थैंक्स अ टन। Thanks everyone. Bye bye, ma'am. तो दोस्तों, आपने देखा आज सयाली जी के साथ में हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की और एक इतना डिटेल्ड उन्होंने हर जो भी क्वेश्चंस हमने पूछे, बहुत ही उनका एक डिटेल्ड ओपिनियन था हर चीज के बारे में. बहुत क्लियर है अपने थॉट्स को लेके वो, एंड इतना अच्छा लगता है इस तरह के इतने एक बोल सकते हैं बहुत ज्यादा क्लियर और बहुत सॉर्टेड लोगों से इतनी अच्छी अच्छी बातें करने में. एंड शी हैज डन अ फैबुलस जॉब बोथ इन मॉडलिंग एंड हर एक्टिंग करियर. सो थैंक्स अ लॉट सयाली मैम अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस सेशन एंड होप टू सी यू अगेन सम टाइम. आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जो इस सेशन में जुड़े रहे थ्रू आउट और इतने सारे अच्छे अच्छे कॉमेंट्स किए हैं, इतना प्यार दिया है सयाली मैम को, मुझे भी. सो यू आर सच अ लवली ऑडियंस एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दिस, अपना टाइम निकालने के लिए. बहुत जल्दी आपसे फिर से मुलाकात करेंगे एक और बहुत अच्छे से सेलिब्रिटी के साथ में, और तब तक आप अपना ख्याल रखिए. जल्दी आपको अपडेट करेंगे हम कि नेक्स्ट हमारे शो पे कौन आने वाले हैं, और उसका जो अपडेट है आपको विम्स एंड रियलिटीज के पेज पे मिल ही जाएगा. मैं आपको अपडेट देने के लिए अपने वीडियो और पोस्टर के थ्रू हाजिर हो जाऊंगा. अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन.